हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइफ चैनल। तो दोस्तों, आज तक की जितनी भी वीडियो थी मेरी, जितनी भी इस चैनल पे वीडियो आपने देखी है, उन सबसे खास ये वीडियो है। तो इस वीडियो को जो है एंड तक देखते रहे, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को जरूर दबा दे, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पे जो है ट्रक से रिलेटेड या फिर सभी जानकारी आपको देते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी कोई बड़ी गाड़ी है या छोटी गाड़ी है, ज्यादातर बड़ी गाड़ी ट्रक के बारे में मैं बताता हूँ आपको, अगर उससे आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके ऊपर क्या क्लेम लगता है, कौन सी धारा लगती है और कितने दिन की आपको सजा होती है। देखिए, ये जो लाइफ है, अगर आप एक गाड़ी चलाते हो तो इसमें कभी भी कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके जो है किसी ने लिख रखा है कि आपसे कोई दुर्घटना नहीं होगी, आपसे कुछ हादसा नहीं हो सकता। सबके साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो आज मैं कुछ आपको कानून के जो रूल है वो बताऊंगा, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के अंदर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, और वो जो भी जिसकी मौत हुई है उसके जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी फैमिली मेंबर हैं, वो अगर नजदीकी पुलिस स्टेशन में उनको ये इत्तला कर देते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो वो जाके उनसे जो भी रिपोर्ट लिखवाते हैं तो वो पुलिस जांच के लिए आती है और वहां पे देखती है कि कौन व्यक्ति को कितनी चोट फेट लगी है या कौन कितनी किस तरीके से उसकी मौत हुई है। तो उस पे जो है पुलिस आईपीसी के तहत 304A की धारा लगाती है। ये धारा वो धारा होती है कि जिसमें यह साबित होता है कि यह एक लापरवाही के कारण जो है व्यक्ति की मौत हुई है, कि जो ड्राइवर था उसने लापरवाही की और जिसके कारण जो है ड्राइवर की मौत हुई है। तो ये केस जो है पुलिस स्टेशन में जाता है, उसके बाद जो है 3 वर्ष के अंदर ये कोर्ट में जाता है। अगर 3 वर्ष से पहले भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम 3 वर्ष इसमें होता है, क्योंकि मैंने एक केस ये देखा है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ड्राइवर होता है वो पहले अगर अपनी जमानत करवा लेता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो परी बिल्कुल नहीं होता है। तो उसे अगर वो पहले जमानत करवा लेता है तो उसे दोबारा जमानत करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब उसको कोर्ट संबंध भेजता है तो उसको बुलाया जाता है तारीख के ऊपर, तो उस पे तारीख लगाई जाती है। जब तक कि पूरा केस फाइनल नहीं हो जाता उसको तारीख पे आना पड़ता है। तो ये जो है आईपीसी के तहत 304 की धारा इस पे लगाई जाती है। अगर इसके अंदर जो भी ड्राइवर है, मान लीजिए जिसने ये घटना की थी, जो जिस टाइम जो ड्राइवर था और जिसको दिखाया गया था पुलिस के सामने कि वो जो भी बंदा जिसने एक्सीडेंट किया था, अगर वो साबित हो जाता है कि इसने एक्सीडेंट किया है, तो उसे मिनिमम 2 वर्ष की अज्ञातवास की जो है कारावास की सजा सुनाई जाती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। तो अगर आपके पास, अब डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो आपके सामने बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। जैसे कि गाड़ी की बात करूं तो आपके साथ गाड़ी का बीमा, इंश्योरेंस और परमिट और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इंश्योरेंस सबसे महत्वपूर्ण होता है, वरना आपकी गाड़ी वहीं पे खड़ी रहेगी, उसको जो है जमानत भी आप जल्दी से नहीं करवा पाओगे। इंश्योरेंस, परमिट और जो भी गाड़ी के आरसी वगैरह है, जरूरी कागजात है, वो होने चाहिए। और अब यहाँ पे बात करते हैं ड्राइवर के पास, तो ड्राइवर के पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास भी किसी के पास नहीं है तो जरूर बनवाए, वरना गाड़ी आप नहीं चलाए, वरना आपके सामने अगर कोई दुर्घटना हो गई तो आप फंसे के फंसे रह जाओगे। कानूनी कार्रवाई यहाँ पे इतनी तगड़ी हो जाएगी कि आप उनसे उभर नहीं पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सब चीजों से कैसे आप बच सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल इस वीडियो के ऊपर है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इनसे और भी मुझसे जो है नॉलेज चाहिए इस केस के बारे में, क्योंकि ये अक्सर होता रहता है कि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा यही बताने वाला था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।